अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ मटर गोश्त बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है, ये 300 ग्राम गोश्त है, आधा किलो मटर है, ये मैंने छील लिए, ये सिर्फ दाने हैं आधा किलो मटर के। इसके अलावा ये एक बड़ा प्याज है, इसे भी मैंने काट लिया है। एक बड़ा चम्मच ये मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। इसके अलावा ये आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और ये आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। इसके अलावा ये पिसा हुआ लहसुन है, इसमें से मैं एक चम्मच डालूंगी। टमाटर मैंने एक बड़ा लिया है और इसके अलावा ये 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा हरा धनिया और ये आधा कप मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है। ये से मैं कुकर में डालने जा रही हूँ। कुकर को मैंने पहले से गर्म किया हुआ था और अब मैं इसमें प्याज डालने जा रही हूँ। प्याज जो है तकरीबन लाल होने पे आ गई है, अभी मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसमें लहसुन एक चम्मच डाल के भूनूंगी। कीमा मटर तो सभी पकाते हैं लेकिन मैं आज आपको बोटियों के साथ पकाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आप मेरा यकीन माने अगर बोटियों के साथ पकाएंगे तो भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं ज़रा लहसुन भून लूँ, फिर मैं इसके अंदर सारे मसाले और बोटियाँ डालूँगी। अच्छी सी खुशबू उठने लगी है इसके अंदर लहसुन भूनने की। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये जले नहीं। ये मैंने इसके अंदर बोटियाँ डाल दी हैं, जो सारे मसाले मैंने निकाल के रखे थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं कुकर को अब बंद करने वाली हूँ। ये आधा जग मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ये छोटा शीशे का जग है। और अब हम इसको जो है कुकर को बंद कर देंगे। जब सीटी बोल जाएगी तो मैं 10 मिनट के लिए आंच को हल्की कर दूंगी। कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, सीटी लगाने जा रही हूँ मैं। और अब मैंने आंच इसके नीचे बढ़ा दी है, जब सीटी बोल जाएगी तो मैं आंच हल्की कर दूंगी 10 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो मटर के साथ में आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे घर में ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं हैं तो मैं आलू डाल के इसको बढ़ाना नहीं चाहती। आलू के साथ आलू और मटर दोनों गोश्त में डालें तो भी बहुत मज़े का लगता है। ये गोश्त को गलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब मैंने कुकर खोल दिया है। ये जो आप इसमें शोरबा देख रहे हैं, पहले हम इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें मटर और अदरक, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह डालेंगे। मसाला भुन चुका है और अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। और मैं इसमें 1 कप पानी डाल के कुकर को बंद कर दूंगी। जब सीटी बोल जाएगी तो मैं 5 मिनट के लिए आंच हल्की कर दूंगी, फिर हम कुकर को खोलेंगे। मटर को गलते हुए 5 मिनट हो गए थे और अब मैंने कुकर को खोल दिया है। और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल के जो है इसको सर्व करने जा रही हूँ। देखिए मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डाल के मैं ज्यादा देर नहीं पकाती हूँ, क्योंकि इससे हरे धनिया की खुशबू मर जाती है। और अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। मटर और गोश्त की रेसिपी मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई YouTube चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।